दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसे देखकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि 20 साल की लड़की कैसे साध्वी बन सकती है। ये उम्र तो उसकी पढ़ाई करने की और सपने देखने की है, लेकिन दोस्तों पीनल नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 21 साल ने सांसारिक मोहमाया को छोड़कर साध्वी बन गई। दोस्तों आपको बता दें कि पीनल अब राज्य दर्शा श्री जी के नाम से जानी जाएगी और दोस्तों पीनल ने मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य का रास्ता चुना। इस दौरान उसके माता पिता के आंखों से आंसू झलक रहे थे। घर वालों ने दुल्हन की तरह बेटी को सजाया, खूब दुलार किया और हमेशा के लिए विदा कर दिया। उसने बोला अब वैलेंटाइन डे मनाने के लिए संयम पथ पर अग्रसर हो चुकी हूँ और उसने बताया कि आठों कर्मों की बेड़िया तोड़कर मोक्ष प्राप्त करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। जैन संतों और हजारों लोगों की मौजूदगी में परिवार का त्याग कर दिया। दोस्तों आपको बता दे कि पीनल को उसके माता पिता ने ऐसे विदा किया कि मानो उसकी शादी हो। दुल्हन की तरह उसे लाल जोड़ा पहनाया गया। पीनल खुशी से नाचने लगी और अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे इस संयम पथ पर आगे बढ़ने की आज्ञा दे। और दोस्तों इसके बाद दीक्षा की रस्में शुरू हुई। लाल जोड़े से सजी पीनल ने सफेद वस्त्र धारण किए और उसके बाद उसका केश लोचन किया गया। दोस्तों आपको बता दे कि पीनल ने सेकंड ईयर तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। पीनल बचपन से ही धार्मिक कार्यक्रमों में जाती रहती थी। पीनल को ग्रंथ पढ़ने का शौक बढ़ने लगा। जैन साधु संतों के प्रवचन सुनकर मन में वैराग्य धारण करने की भावना जागी। अपनी इस इच्छा को पीनल ने अपने माता पिता को बताया। उन्होंने पीनल का साथ दिया और दीक्षा लेने की आज्ञा दी। दोस्तों इसी दौरान उसने बताया कि सांसारिक जीवन छोड़ना इतना आसान नहीं है, एक कठोर तपस्या करनी पड़ती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों पीनल को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।